हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा आपके मम्मी पापा के ज़माने का साबुन निमा सेंटर। आप देख सकते हो ये निमा सेंटर है, ये इसकी आप पैकेजिंग देख सकते हो, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैं बचपन से इसे यूज़ कर रहा हूँ। ये साबुन जो है बहुत ही अलग अलग तरह से जो है अच्छी है, मतलब आप लोग को मैं बताऊँगा इस वीडियो में। आप जो है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको जो है पता चलेगा। तो आप देख सकते हो कि ये निमा सेंटर साबुन है, इस प्रकार से इसकी पैकेजिंग होती है। इसमें अगर बात करें इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें जो आपको नेचुरली जो चीज़ मिलते हैं वो इसमें होते हैं हल्दी और चंदन, आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें भी केमिकल होते हैं, लेकिन आप देख सकते हो ये साबुन जो है बहुत तरह से अच्छी है। तो मैं बताता हूँ कि अच्छी क्यों है। तो आप देख सकते हो कोई इस तरह से ये पैकेजिंग होते हैं। अगर आप इसके दो साबुन खरीदते हो तो आपको एक साबुन फ्री मिलेंगे, और इसके एमआरपी की बात करें मैं तो आपको जो है 50 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे तीन साबुन का। अगर आप एक साबुन खरीदते हो तो आपको जो है 15 से 20 रुपये जो आपको पड़ सकते हैं आपको अलग अलग एरिया में, वो आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए ये आपको पूरा साबुन दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से आगे का पैकेजिंग है, उसके बाद ये किनारे का देख सकते हो, उसके बाद ये साइड हो गया, उसके बाद इस साइड हो गया, उसके बाद ये साइड आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसकी वेट की, तो इसका वेट जो होता है 100 ग्राम होता है। आप देख सकते हो यहाँ निमा सेंटर हिंदी में भी लिखे हुए, और ये आप देख सकते हो कि ये वेजिटेरियन है, ठीक है। यहाँ पर ये लोगो वेजिटेरियन का होता है। और अगर इसके वेट की तो मैं तो आपको बता दूँ कि 100 ग्राम होते हैं, और इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स होते हैं आप देख सकते हो। सोडियम ज़्यादातर जो है उसमें, टाल्क है, परफ्यूम है, सब कुछ इसमें मिले हुए हैं। और अगर मैं बात करूँ कि ये साबुन बनती कहाँ है, तो ये साबुन आपको गुजरात में बनती है, ठीक है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में ये गुजरात में बनती है। और ये निर्मल लिमिटेड की तरफ से ये जो है निमा सेंटर साबुन आते हैं। और अगर बात करें कि आप इसकी जो है वैलिडिटी कितने तक होती है, तो 2 साल तक ही रहती है। आप देख सकते हो कि ये पैकेज हुआ है 1/21 को, और ये समाप्त होकर 12/22 को, यानी कि 2 साल आपको मिलेंगे। आप 2 साल के अंदर इसे जो है यूज़ कर सकते हो। तो चलिए